हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में, जिसका नाम है रेंच सिमुलेटर। ठीक है, तो आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो हमारी ये वाली मुर्गी है ना, इनके रहने खाने के लिए मैंने यहाँ पे एक समाल कूप बना दिया था। और एक पिछले पार्ट में आपको ध्यान होगा तो हमारे दादाजी का यहाँ पे एक फार्म हाउस होता था, वो भी मैंने डिमोलिश कर दिया, मतलब कि तोड़ दिया है। ठीक है, अब जल्दी से भाई ज्यादा इंट्रो नहीं करते, क्योंकि जो अपनी ये वाली दोनों मुर्गी है ना, ये देखो भाई भूखी है, मतलब कि खाने खाने का नहीं है, पीने के लिए तो इनके लिए मैंने रख रखा बहुत ही ज्यादा पानी है। खाने का कुछ भाई जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट है ना गाड़ी में बैठ के इंजन स्टार्ट करके भाई फटाफट मार्केट में चलते हैं। शायद मेरे को है ना, एक मिनट देखते हैं भाई यहाँ पे मैप में चल के, शायद मेरे को जनरल स्टोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मुर्गियों का खाना पीना है ना, शायद जनरल स्टोर पे ही मिलेगा, तो मैं फटाफट जनरल स्टोर पे चलता हूँ। ओके, अपनी गाड़ी भाई फुल स्पीड में चल पड़ी है। चलो, मैं हाईवे पे पहुंच गया हूँ और अभी भाई ठुकती ठुकती बची है अपनी गाड़ी, फटाफट चलते। हाईवे पे आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती यार, क्योंकि रोड इतना मस्त है ना, बिल्कुल पानी की तरह चलती है अपनी गाड़ी। चलो, अभी हमारा हार्डवेयर नहीं भाई, जनरल स्टोर शायद 150 मीटर है, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना, उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, शायद मेरे को जनरल स्टोर दिख भी चुका है, यही है शायद। तो ठीक है, मैं जनरल स्टोर पे आ गया हूँ, यहाँ पे नीचे उतरते हैं। और ये देखो भाई, इन्होंने जनरल स्टोर के ऊपर सुअर की फोटो लगा रखी है। जनरल स्टोर के अंदर चलते हैं और मुर्गियों के लिए है ना भाई कुछ खरीद लेते हैं, मतलब कि खाने वाला, पीने वाला तो जुगाड़ है अपने पास, फिर भी मैं पीने के लिए यहाँ पे है ना, शायद ये वाली वाटर टैंक है ना, ये मैं खरीद लेता हूँ, ताकि यार बाद में मुर्गियों को दिक्कत ना हो। और यहाँ से हमें फूड एंड वाटर है ना, यहाँ से हम बैग ऑफ व्हीट, यानी कि हम गेहूं का एक बैग ले लेते हैं, ताकि हमारी मुर्गियाँ खा सके। और ये दोनों टोटल हो गए हमारे $60 के। ठीक है, इनको चेकआउट कर देते हैं, यानी कि परचेज मैंने इनको कर लिया। इनको गाड़ी में डाल के भाई जल्दी चलते हैं, क्योंकि मेरी मुर्गियों की हेल्थ है ना यार बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, अपनी वाटर टैंक तो यहाँ पे आ गया, लेकिन जो वीट वाला बैग था वो कहाँ पे गया यार, मेरे को कहीं पे भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे है, और अपनी गाड़ी वो रही। ठीक है, मैं इसको उठा के और जो अपनी गाड़ी है ना, इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ, तो इस बैग को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, और जो अपनी पानी वाली टंकी है ना, इसको भी मैं उठा लेता हूँ। पानी की टंकी उठाने के बाद देखना भाई, बंदे की कमर ही टेढ़ी हो गई। एक मिनट, इसको नीचे रखेंगे तो देखो, अभी देखो, एक मिनट रुको यार, कैसे दिखाऊं। अभी देखो, जो इस बंदे की कमर है ना, मतलब थोड़ी सी ऐसे हो रखी है, लेकिन ये वाली चीज उठाऊंगा ना, तो देखना भाई कितना ज्यादा वेट है इसके अंदर। इसको भी मैं अंदर रख लेता हूँ। और एक गलती भाई मैंने कर दी शायद, क्योंकि अभी मैं जनरल स्टोर पे तो आ ही रखा था, जो अपनी मुर्गियों ने अंडे दिए थे ना, वो भी मैं ला सकता था यार, ताकि अपने को यार पता चल जाए कि एक अंडा कितने का बिकता है। शायद मैं यहाँ पे है ना अंडे वगैरह भी बेच सकता था, तो एक बार मैं अंदर चल के दोबारा से देख लेता हूँ, शायद मैं है ना यहाँ पे कुछ आइटम सेल भी कर सकता था। ये देखो भाई, सेल का ऑप्शन है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। गाड़ी में बैठ के भाई लोकेशन लगा देते हैं अपने रेंच की। और ये रहा भाई अपना बैक बेंच रेंच। चलो, गाड़ी अपनी चल पड़ी है, और मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, क्योंकि यार अपनी मुर्गियां है ना बिल्कुल मरने की लाइन में खड़ी है। ओके, और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला है, अगर मैं रोड से जाता तो ठीक रहता शायद, देखते हैं एक बार। नहीं, ये रास्ता मस्त है भाई, देखो मैं पहुंच भी गया इतनी जल्दी। ओके, और जाने में देखो यार मेरे को कितना ज्यादा टाइम लगा था। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने समाल कूप के पास, जहाँ पे अपनी मुर्गियां हैं। और ये वाला जो वीट वाला बैग है ना, इसको उतार के मैं अंदर रख के भाई इसको मैं यहाँ पे, अरे यार मैंने मशीन ही पैक कर दी जल्दी जल्दी में। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, और ये वाला जो वीट वाला बैग है ना, इसको उठा के, और मैं शायद अंदर नहीं रख सकता क्या, क्योंकि यार अंदर अपना काफी सारा सामान हो गया, तो रखा जा भाई। ठीक है, बैग तो रखा गया, अब इस बैग को बस खोल के रिताने की जरूरत है, मतलब कि खाली करने की। ओके, और यहाँ पे इस बैग को खाली कर देते हैं, देखना भाई अपनी वीट आधी बाहर आ गई और आधी भाई अंदर ही रह गई, इसको बंद कर देते हैं। और ये वाली चीज है ना भाई, आई बार मेरे को है ना कुछ नुकसान पहुंचा ही देती है, बंद करता हूं तो। ठीक है, ये वाली चीज मस्त होगी, लेकिन जो अपनी पानी वाली ये बाल्टी है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, बस पानी गिर ना जाए भाई, अपनी सारी वीट खराब हो सकती है भाई। मुर्गी बाहर आ रही है, ठीक। ओ भाई, देखना यार कितना ज्यादा उछाल दिया इसने। चलो भाई, हमने है ना मुर्गियों की प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मुर्गियां शायद नहीं मरेंगी, क्योंकि अभी तो मस्त वीट खा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस टंकी को भी मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। भाई कैसे रख रहा हूं मैं, थोड़ा सा तमीज से रखेंगे तो अच्छी लगेगी, कोई देखेगा तो। चलो, ये चीजें तो अपनी परफेक्ट हो चुकी है, अब अपनी मुर्गियों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब एक काम करते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो मैंने अपने जो दादाजी का फार्म हाउस था ना, वो भाई तोड़ दिया था। वैसे था तो पुराना, लेकिन भाई देखने में इतना मस्त था ना, क्या बताऊं, पुरानी चीजें मस्त लगती हैं। एक काम करते हैं भाई, दादाजी का सपना साकार करने के लिए मेरे को है ना एक फार्म हाउस भी आज बना ही लेते हैं। तो मैं फार्म हाउस के लिए इधर उधर घूम के थोड़ी बहुत जगह देख लेता हूँ कि कहाँ पे अपना फार्म हाउस मस्त लगेगा। तो कहाँ पे बनाऊं भाई, मैं पिछले फार्म हाउस को भी भूल गया कि मैंने कहाँ पे तोड़ा था।
शायद यहाँ पे था अपना पिछला फार्म हाउस। और यहाँ पे फार्म हाउस बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे है ना पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। ओके, ये क्यों नहीं कट रहा भाई, कट जा। पहले यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे पेड़ है ना सारे काट ही देता हूँ, बाद में चॉप कर करके उठा लूंगा, क्योंकि अपने को जो फार्म हाउस बनाना है ना उसमें काफी सारी लकड़ियां भी लगने वाली हैं। चलो ये वाली चॉप कर दी मैंने, और इसको भी चॉप कर देते हैं फटाफट भाई। ये छोटे छोटे बहुत ज्यादा पेड़ है यहाँ पे, और ये वाला तो भाई एक में टूटता ही नहीं है। चलो टूट गया, और इसको भी काट देते हैं, सारे पेड़ काट देता हूँ मैं फटाफट। चलो यार मैंने यहाँ से है ना काफी सारे पेड़ काट दिए जो कि आप देख ही सकते हो, और ये वाला कैसे बच गया भाई, इसको भी चॉप करो। पहले देखो यार मैंने कितनी ज्यादा यहाँ पे कटाई कर दी है, और यहाँ पे अब है ना मैं मस्त सा फार्म हाउस बनाने वाला हूँ। यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ भाई कोई भी अगर यहाँ से अपना फार्म हाउस देखने आएगा ना तो यहाँ पे मस्त दिखेगा अपना। ओके ठीक है, यहाँ पे फार्म हाउस बनाने से पहले जितनी भी मैंने लकड़ियां काटी है ना उनको मैं गाड़ी में डाल के यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे आरा रख के, मतलब कि ये वाला जो आरा है ना इसको रख के, नहीं भाई एक काम करते यहाँ पे क्यों रखे हम बार बार, हम यहाँ पे लकड़ियां उठा के लाएंगे और फिर ये वाले प्लैंक वहां पे उठा के ले जाएंगे। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जो अपनी आरे वाली मशीन है ना मैं यहीं पे रख लेता हूँ। भाई क्या दिमाग लगाया है मैंने, ठीक है इसको, इस मशीन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और अब मैं ना ये बिल्डिंग मोड निकाल के और अपना फार्म हाउस देख लेते हैं। अपनी जो बुक है ना इसके अंदर कितने सारे फार्म हाउस मिल जाते हैं, फार्म हाउस फेज 4, फेज 2, फेज 6, और कितने तगड़े तगड़े फार्म हाउस है यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए अपनी जो औकात है ना भाई वो थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं ये वाला फार्म हाउस बनाऊंगा जिसके अंदर हमें 2 स्टोरी हाउस विथ 2 रूम्स मिल जाते हैं। तो इसको मैं बिल्ड करने के लिए, देखना भाई कितना तगड़ा लग रहा है। तो अपने को इसका जो मेन गेट है ना वो इस तरफ रखना है, और यहाँ पे कितना तगड़ा लग रहा है, थोड़ा बैक करके देखेंगे तो यहाँ पे भी बन जाए यार, क्या दिक्कत होगी यार, ये थोड़ा सा आगे बन रहा है, क्या करें। ओके कहीं पे तो ग्रीन सिग्नल आओ भाई, यहाँ पे मस्त लगेगा। ओके और इसको मैं यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ। ओके यहाँ पे तो मैंने बिल्ड कर दिया, अभी है ना बिल्ड करने के लिए मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि एक घर बनाने के लिए अपने को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, घर बनाने के लिए हमें ना 80 तो कंक्रीट के बैग लाने पड़ेंगे, मतलब कि 80 सीमेंट के कट्टे चाहिएंगे, और 15 हमें मेटल लाने पड़ेंगे, और वुड प्लैंक जो है ना वो 23 लगेंगे। तो वुड प्लैंक तो बनाना अपने हाथ में ही है, फटाफट मशीन को ऑन कर देते हैं, और जो ये वाली लकड़ियां है ना इनको उठा के मैं आरे के अंदर लगा देता हूँ। पहले सारी लकड़ियां मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ओके देखना यार मैंने कुछ ज्यादा ही पेड़ काट दिए, मतलब कि जो अपना घर है ना भाई वो तो थोड़ी सी जगह में ही आ गया, और मैंने पूरे एरिया की लकड़ियां काट डाली। अपना आरा मस्त चल रहा है, तो लकड़ियों को मैं यहाँ पे रखता जाता हूँ, और सारी की सारी उठा के यहाँ पे इकट्ठी कर देते हैं। चलो भाई फिर मेरे को मार्केट में भी तो जाना है यार, क्योंकि अपने को है ना काफी सारा कंक्रीट और मेटल लाना पड़ेगा, तो इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। मेरे को लगता है यार इतने सारे प्लैंक बहुत हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी लकड़ियां यहाँ पे चीर दी हैं, और शायद मेरे पास कुछ लकड़ियां यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं तो शायद काम चल जाएगा। ये देखो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ 5-7 जो प्लैंक है ना वो पड़े हुए हैं। अब एक काम करते हैं भाई, जल्दी से है ना मार्केट में चलते हैं, और मार्केट में चल के जो अपने कॉन्क्रीट वाले बैग और मेटल है ना वो लेके आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार प्लैंक है ना वो तो हम यहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन जो कंक्रीट और मेटल वगैरह है ना वो हमें मार्केट से ही लेके आना पड़ेगा। तो एक बार है ना मार्केट, शायद ये वाली चीज़ें है ना अपने को हार्डवेयर स्टोर पे मिलेंगी, तो मैं हार्डवेयर स्टोर की यहाँ पे लोकेशन लगा देता हूँ। चलो भाई चलते हैं, ये वाला जो रास्ता है ना यार मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे है ना पेड़ पौधे, देखना भाई कितने सारे पेड़ हैं, ये देखो यार कितने मस्त मस्त पेड़ मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। और हाईवे पे आने के बाद तो हमें पेड़ दिखाई नहीं देते, मतलब कि साइड में दिखाई देते हैं, इतने नज़दीक दिखाई नहीं देते रोड के। चलो हमें यहाँ से राइट लेना था, राइट ले लिया मैंने, अभी लेफ्ट लेना है बस, और हम पहुँच जाएंगे, शायद हम पहुँच भी गए यार, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता इस गेम में, ये बहुत अच्छी बात है। ओके हम हार्डवेयर स्टोर पर पहुँच चुके हैं, और मेरे को गाड़ी अब शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छी चलानी आ गई, तो मैं गाड़ी को पहले ही वहाँ पे खड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैं सामान अभी खरीदने वाला हूँ ना वो सारा का सारा सामान हमारा खरीदने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है पहले से ही। और भाई हार्डवेयर स्टोर में घुसने से पहले मैं एक बार है ना अपने पैसे भी तो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इतना ज़्यादा सामान खरीदने के लिए हमारे पास $1107 है, शायद काम चल जाना चाहिए। पता चले भाई दुकान में घुसते ही दुकान वाला हमारी बेइज्जती कर दे कि आगे साले भूखे नंगे। ओके हम दुकान के अंदर आ चुके हैं, और अपने को कहाँ पे खरीदना है भाई सामान, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, शायद यहाँ पे हमें हमारा सारा का सारा जरूरत का सामान मिल जाएगा।
तो हमें शायद क्या चाहिए था भाई, मैं तो भूल ही गया। शायद 80 तो अपने को है ना कंक्रीट चाहिए, लेकिन भाई कंक्रीट बैग मिल रहा है हमें 5 केजी का एक, और ये हमें चाहिए 80। तो 80 को 25 से गुणा करेंगे, शायद शायद 2,000 हो जाएंगे। तो $2,000 तो यार है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि टोटल है ना 80 केजी कंक्रीट चाहिए, ये भी हो सकता है भाई। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जो 50 केजी कंक्रीट है ना, एक तो ये ले लेता हूँ, ठीक है। और 55, 60, 65, 70, 75 और 80, चलो हमने 80 केजी कंक्रीट तो यहाँ से ले लिया। और मेटल चाहिए अपने को 15, तो $100 में हमें है ना 10 मेटल मिल जाते हैं, तो मैं 20 ले लेता हूँ यहाँ से। और जितना भी ये वाला सामान है ना, इसको मैं चेकआउट कर देता हूँ। चलो सामान तो हमने खरीद लिया, और आपको पता है मैंने फिर से भाई गलती कर दी, क्योंकि मैं अब की बार भी जो अपने एग्स वगैरह है ना वो लाने भूल गया। चलो कोई बात नहीं यार, फिर कभी देख लेंगे। तो मेरी गाड़ी भाई देखना मैंने कितनी पीछे खड़ी कर दी, तो एक बार गाड़ी को मैं सामान के पास ले जाता हूँ। और अभी शाम के भाई 6 भी बज चुके हैं, तो मेरे को शाम होने से पहले है ना सारा का सारा काम निपटाना है। तो ये तो 50 किलो वाला बैग है, इसको उठा के ओके, और इसको है ना थोड़ा सा हम आगे की साइड रखेंगे, क्योंकि जो अपनी गाड़ी है ना भाई आपको पता ही है, देखना कितनी टम्परेली सी आगे से उठ जाएगी। तो मैंने एक बैग रख दिया, शायद हम एक बैग के ऊपर एक बैग रख सकते हैं। और ये वाला बैग है ना, इसको भी उठा के मैं पहले सारा का सारा सामान रख लेता हूँ। सीमेंट वाले कट्टे तो भाई सारे रख लिए, लेकिन एक बार है ना मैं दोबारा से गिनती कर लेता हूँ, क्योंकि है ना मेरे को लग रहा है कि मेरे को दोबारा भी आना पड़ सकता है। तो एक बार 50, 55 और 60, 65, 70, 75, 80, चलो ओके हमारी सारी चीजें। लास्ट वाला मेटल भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका जो डाला है ना इसको मैं बंद कर लेता हूँ। गाड़ी में बैठ के भाई रेंच में चलते हैं। शाम हो चुकी है और सूर्य देवता भी हमारे छिप चुके हैं, तो फटाफट अभी मेरे को रेंच में जाना पड़ेगा। रेंच में जाने से पहले अभी मेरे को है ना रोड याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने बैक बेंच रेंच की लोकेशन भर लेता हूँ। ओके, मैं रेंच के पास आ चुका हूँ, और सारा का सारा सामान भाई यहाँ पे अपना, मैं गाड़ी बंद करना भूल गया शायद। अरे हो जाए यार, ठीक है हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा ये वाली चीज शोर कर रही है यार, मैं सोचा गाड़ी का इंजन शोर कर रहा है, और इसको यार मैं चालू ही कंडीशन में छोड़ गया, सारा का सारा तेल पी गया। ये वाला आ रहा, इसको भी बंद कर देते हैं फटाफट। और जितने भी अपने पलंग है ना एक बार सारे के सारे उठा के मैं घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है ना घर बनाने के लिए अपने को पलंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो पलंग का इस्तेमाल करने के लिए अपने को ही दबानी, ये देखो भाई पैड़िया हमारी बन चुकी है। ओके, और ये वाली चीज भी अपनी बनती जा रही है। और मैं बोल रहा था यार अपना सूर्य देवता छिप गए, लेकिन अभी भी निकले हुए हैं, चलो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे भी लगा देते हैं फटाफट, मैं सारी की सारी चीजें लगा देता हूँ। और घर बनाने में भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, और देखना भाई स्टेयर कितनी मस्त लगी है। ओके, ऊपर नहीं चढ़ेगा क्या भाई, चढ़ जा यार। चलो यहाँ पे भी लगा देते हैं, और छत पे भी। फिर से भाई पलंग खत्म हो गए, मेरे को लगता है एक बार है ना इसको मशीन को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको ऑन करके है ना मैं ये वाली लकड़ियां भी साथ की साथ डाल देता हूँ। मेरे को पता है कि इन पलंग से काम नहीं चलने वाला, तो यहाँ पे साथ की साथ ये वाली मशीन है ना पलंग भी बनाती रहेगी, और यहाँ पे मैं काम भी करता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो मैंने दोबारा से पलंग उठा लिए, और यहाँ पे भाई लगाने शुरू करते हैं। यहाँ पे रह गया थोड़ा बहुत, ठीक है, और यहाँ पे भी रह गया। और यार ये मैंने क्या गलती कर दी, देखना भाई पहले ये नहीं बनाना था, अब मैं देखना यार अंदर ही नहीं जा पा रहा, अब क्या करें भाई। ये काम करते हैं, उस साइड से है ना मैंने थोड़ी बहुत जगह शायद छोड़ रखी है यहाँ से, तो मैं यहाँ से अंदर घुस सकता हूँ। चलो अच्छी बात है भाई, ये तो मैंने सोचा भाई अब क्या करेंगे। तो एक बार पहले जो ऊपर वाला काम है ना वो मैं निपटा लेता हूँ। चलो ठीक है, छत बन गई अपनी, और ये वाले भी बना देते हैं। ओके, और अभी तो शायद मेरे को लगता है थोड़े प्लैंक में काम चल जाएगा, ठीक है यहाँ से चल के। और भाई आगे कैसे जाऊं मैं, शायद नीचे खड़ा होके ही मेरे को प्लैंक वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो इस वाले रास्ते को मैं बाद में बंद करूंगा यार, क्योंकि मेरे को अंदर भी तो आना है ना। चलो ये वाला भी लगा देते हैं, शायद अब हमारा काम चल जाएगा। तो ये वाले प्लैंक भी उठा के मैं फटाफट लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे घुसने की जगह छोड़ रखी है। ओके, और भाई कहाँ पे लगाऊं, वही वाली जगह रह गई यार, और तो कहाँ पे लगाऊंगा। तो एक बार है ना सीढ़ियों से चढ़ के मैं ये वाली चीज भी बंद कर देता हूँ। चलो यहाँ पे शायद मेरे को बाहर निकल के करना चाहिए भाई ये काम। ओके, और अभी है ना शायद दो प्लैंक की और जरूरत पड़ेगी, या फिर एक ही प्लैंक की पड़ेगी। चलो प्लैंक तो शायद अपने सारे लग गए, बस यहाँ पे लगना बाकी है। ओके, अब शायद है ना, हाँ प्लैंक भाई अपने 23 के 23 लग चुके हैं, अभी अपने को 80 कंक्रीट की जरूरत है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार अभी सो नहीं सकते क्या हम, शायद हम 8 बजने के बाद है ना सो पाएंगे।
तो एक बार इस पलंग को मैं यहाँ पे रख के जो अपना आ रहा है ना इसको मैं बंद कर देता हूँ, और एक बार टेंट के पास चल के भाई सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी है ना घर बनाऊंगा तो भाई देखने में इतना मस्त नहीं लगेगा। देखते हैं सो के सो भी पाएंगे या नहीं। ओके, शायद मैं सो चुका हूँ या फिर भाई ऐसे ही सोया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 8 बजे से पहले मैं सो पाऊंगा, लेकिन 8 तो भाई बज चुके हैं अपने, क्या करें, दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब की बार सो गया भाई, अब मस्त सुबह उठेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और अपने बंदे के भाई सोते हुए एप्स देखना कितने ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। तो चल भाई खड़ा हो जा और काम पे लग जा फटाफट। तो हमने है ना रात को ये वाला ढांचा तैयार कर दिया था, अभी अपने को इसमें कंक्रीट डालना है और मेटल वगैरह भी डालना पड़ेगा। तो फटाफट मैं गाड़ी से उतार के कंक्रीट ले आता हूँ। सबसे पहले ये वाला बैग उतारेंगे, शायद पहले ये वाली चीजें उतारनी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले जो 50 kg वाला बैग है ना वो उठा लेता हूँ, और यहाँ पे चल के शायद अपने को इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने यहाँ पे 50 kg, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शायद अपने को है ना पहले पूरा का पूरा 80 kg कंक्रीट डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हमें कुछ दिख पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंक्रीट है ना, मैं फटाफट सारा का सारा यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ उठा उठा के। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अपनी वीडियो है ना थोड़ी लंबी होती जा रही है। चलो चलो, ये लास्ट वाला बैग है भाई, इसको डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसको इंसर्ट कर देते, लेकिन भाई यार 80 kg, अच्छा यहाँ पे है यार दोनों पैकेट। मैंने सोचा यार सारे के सारे सीमेंट के कट्टे तो डाल दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी अपने को लास्ट वाला कट्टा और उठा के सीमेंट का ये भी भाई नीचे डाल देते हैं, और हमारा मस्त फर्श तैयार हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो, यार 80 का 80 तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ यार, क्या करें। शायद अपने को मेटल भी डालना पड़ेगा, उसी के बाद कुछ हो पाएगा। तो मेटल भी उठा के मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, और शायद अभी अपना घर भाई बनने ही वाला है, आप देखते रहना बस। हमें ये वाला मेटल और डालना है, शायद हमारा काम कंप्लीट हो जाए बस। ओके, इंसर्ट कर देते हैं। ओ भाई, एक बार मैं ना इस मेटल को यहाँ पे रख देता हूँ, भाई साहब कितना तगड़ा घर बन गया। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, कुछ बना तो है ही नहीं। देखना यार, एक मिनट रुकना, एक मिनट मैं ना गाड़ी को स्टार्ट करके जो अपनी मेन एंट्रेंस है ना वहां से आके देखता हूँ कि कैसा लगता है अपना फार्म हाउस। और अभी मेरे दादाजी अगर ऊपर से देख रहे होंगे ना तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि मैंने इतने तगड़े वाला फार्म हाउस बना दिया ना, यहाँ से देखना यार कितना मस्त लग रहा है। और इसके आगे मैं ये वाली गाड़ी खड़ी कर दूंगा तो और भी मस्त लगेगा, देखना यार कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई। अब की बार तो थंबनेल लगाने में भी मजा आएगा। तो एक बार मैं अंदर चल के देख लेता हूँ कि अपने घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पे भी कुछ लट्टू वगैरह लगा दिए, मतलब कि बहुत ही मस्त है यार देखने में घर तो अपना। एक मिनट मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखा देता हूँ कि अपना इस साइड से और पीछे से भी अपना घर कैसा दिखता है। तो ये देखो यार कितना मस्त और तगड़ा दिख रहा है अपना घर। फटाफट अंदर चलते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा चुल मची हुई है अंदर से देखने की। ओके, और अंदर आते भाई साहब, ओ भाई यहाँ पे देखना यार कितना मस्त सोफा सेट मिल जाता है, और यहाँ पे हमें रेडियो मिल जाता है जिसको ऑन करेंगे तो हाँ कुछ भी नहीं होगा यार, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इसको ऑन किया था तो कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, और अंदर चलेंगे तो यहाँ पे भाई हमें डाइनिंग टेबल मिल जाती है, यहाँ पे शायद हमारा छोटा सा किचन है, यहाँ पे मैं कुछ रोटियाँ वगैरह पका के खा पाऊंगा। और यहाँ पे हमें अपनी गाय मिल जाती है, गाय भी भाई हम धीरे धीरे खरीद लेंगे इसमें। और ये शायद अपना फ्रिज है यार, हाँ फ्रिज ही है शायद, क्योंकि रसोई के सामने तो फ्रिज ही होगा। ओके, और यहाँ पे हमें स्टेयर मिल जाती है, और यहाँ से मैं लाइट्स, ओ भाई यहाँ से मैं लाइट्स वगैरह भी ऑन कर सकता हूँ, और जो ये सामने वाली लाइट है ना भाई ये भी चस चुकी है। ओके ठीक है, और दोबारा से अंदर चलेंगे तो मैंने ये वाली चीजें तो दिखा दी, और यहाँ पे एक मस्त सी पेंटिंग मिल जाती है। रसोई में अगर मैं रोटी वगैरह पाऊंगा ना तो यहाँ से मैं बाहर का नजारा भी देख पाऊंगा। अभी ये वाला गेट किस चीज का भाई, ठीक है इसको खोल के देखेंगे तो ये वाला शायद हमारा स्टोर रूम होने वाला है, क्योंकि अपनी मुर्गियों का जो भी सामान वगैरह होगा ना मैं यहीं पे रखने वाला हूँ। ठीक है, गेट को खोलते हैं और इसको दोबारा से बंद भी कर देते हैं। अभी है ना जल्दी से भाई स्टेयर के ऊपर और चल के देखते हैं कि ऊपर क्या मिलता है हमें। यहाँ पे देखना यार दीवारों के कितनी मस्त मस्त पोस्टर लगा रखी है, मतलब देखने में काफी मस्त लगते हैं। ठीक है, ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ बुक वगैरह मिल जाती है, जो कि भाई मेरे को टाइम लगेगा तो पढ़ूंगा, बाकी मेरे को पता है इस गेम में टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक पेंटिंग मिल जाती है, और बाकी देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेयर है, मतलब कि चेयर है, स्टेयर तो ये वाली है, और यहाँ पे एक टेबल है, मतलब कि वहां से ये वाली बुक उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे बैठ के पढ़ा करूंगा। और यहाँ पे ये पता नहीं भाई किस चीज का मुंह लगा रखा है। और यहाँ पे हमें एक बेड मिल जाता है,
ठीक है। अभी हमें है ना जो टेंट है ना भाई, उसके अंदर सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो बेड है ना वो घर के अंदर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे है ना आराम से सो के भाई आराम कर पाऊंगा, और यहाँ पे जो अपना टीवी है वो भी चलता है। ओके, काफी मस्त सिस्टम है भाई, मतलब कि अपनी आराम की जिंदगी होने वाली है। टीवी को बंद करते हैं भाई, पता चले कि कॉपीराइट आ गया तो अपना यार घर कुछ देखने में ऐसा लगता है। अब जल्दी से है ना नीचे चलते हैं और वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि अपनी वीडियो है ना अब कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं हमारी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।